जी हाँ सिर्फ़ दो लाख रुपए में आपने एक मशीन खरीदनी है उसको जब काम को स्टार्ट करेंगे काम आपका चलेगा तो एक मशीन से आप जनाब एक साल के अंदर अंदर दस मशीनें भी बना सकते हैं और मंथली आप जनाब चार से पाँच लाख रुपया भी आराम से कमा सकते हैं आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे किस मशीन से आप इतना पैसा कमा सकते हैं किस मशीन से अपना कारोबार शुरू करेंगे और जनाब आप लाखों रुपया कमाएंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इन शी इसमें हम कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे कहाँ से मशीन आपने लेनी है कौन सा कारोबार करेंगे कहाँ पे बैठ के आपने ये इसको काम को शुरू करना है और कितना आपको इसमें जनाब प्रॉफ़िट मिलेगा तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जो लोग प्रिंटिंग मशीन का कारोबार करना चाहते हैं प्रिंटिंग का कारोबार करना चाहते हैं प्रिंटिंग मशीन लगा के तो जनाब इस कारोबार में आना चाहते हैं आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कहाँ से आप मशीन ले सकते हैं किस रेट पे आपको मिलेगी कौन सा काम आप पहले शुरू करेंगे किस जगह पे आप मशीन लगाएंगे तो वहाँ से आपको ऑर्डर्स भी अच्छे मिलेंगे और जनाब आपका कारोबार भी बढ़ेगा आपको जनाब लाखों रुपया महीने का फ़ायदा भी होगा तो इन हम पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं ख़ास तौर पर वो लोग जो प्रिंटिंग का कारोबार करना चाहते हैं प्रिंटिंग के कारोबार में इंटरेस्ट रखते हैं तो जनाब आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो जनाब हर चीज़ तकरीबन जो है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो प्रिंट हुई जो है वो लगी होती है कोई स्टिकर की शक्ल में कोई इश्तहार की शक्ल में कोई पम्फ्लेट की शक्ल में कोई जनाब स्टिकरों की शक्ल में इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें डब्बों के वो हम देखेंगे उनके ऊपर मुख्तफ तरह की प्रिंटिंग हुई होती है तो ये सारी प्रिंटिंग जो है ये कहाँ से होती है ये जनाब इन प्रिंटिंग मशीनों से होती है भाई जाना अगर आपके पास दो से ढाई लाख रुपया है तो अभी जाइए अगर आप लाहौर में हैं तो जनाब लक्ष्मी चौक चले जाइए वहाँ पे जनाब आपको बहुत सारी मशीनें ऐसी मिल जाएंगी जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं यूज में आपने मशीन लेनी है अभी आपने जब शुरू करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने शुरू करनी है रोटा मशीन से इसमें सोलना भी आती है इसमें हाइडल वर्ग भी आती है इसमें जी टी ओ भी आती है बेशुमार तरह की मशीनें हैं फ्लैक्सो भी आती है पता नहीं कौन कौन सी मशीनें नई से नई जदीद मशीनरी आ गई हुई है आपने शुरू करना है आपने जनाब सब सबसे पहले रोटा मशीन लेनी है मार्केट में चलती हुई मशीन अच्छी कंडीशन में आपको दो से ढाई लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी वो मशीन आपने लेनी है वो मशीन आपने ले ली उसके बाद आपको जगह चाहिए कि कहाँ पे आपने ये सेटअप लगाना है आपने कोई ऐसी मार्केट ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे जनाब कोई दुकानें हो कोई सौ डेढ़ सौ दुकान आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए ऐसी जगह का आपने इंतब करना है वहाँ पर एक छोटी सी शॉप लेनी है क्योंकि ये मशीन जो है ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती है ज़्यादा से ज़्यादा एक जा टेबल की जगह घेरती है एक दुकान आपने लेनी है बहुत बड़ी दुकान नहीं आपको चाहिए छोटी दुकान से भी काम चल जाएगा आपने एक साइड पे जनाब ये मशीन लगा देनी है इसके साथ आपको जनाब एक मशीन ऑपरेटर चाहिए एक बंदा ऐसा चाहिए जो कि मशीन को समझता हो वो एक्सपीरियंस बंदा आपको उसी मार्केट से ही जिससे मशीन आप ले रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जनाब कोई अच्छा बंदा हमें दे दें बंदा भी आपको वहाँ से मिल जाएगा वो एक्सपीरियंस बंदा भी आ गया आपके पास वो मार्केट भी आ गई है जहाँ से आपने काम लेना है जहाँ से आपने ऑर्डर्स लेने हैं काम आपने पहले छोटे छोटे पकड़ने हैं विजिटिंग कार्ड के ऑर्डर पकड़िए लेटर पैड के ऑर्डर पकड़िए बिल बुक के ऑर्डर पकड़िए छोटे छोटे इश्तारों के ऑर्डर पकड़िए इस तरह के छोटे छोटे स्टिकर जो बनते हैं उनके ऑर्डर पकड़िए छोटे छोटे पहले आपने ऑर्डर्स लेने हैं इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इस चीज़ की समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये काम कैसे होता है स्टिकर अगर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए क्या प्रोसेस है तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे ऑर्डर करेंगे आपको तजर्बा मिलना शुरू हो जाएगा फिर आपने बड़े ऑर्डर्स की तरफ जाना है पहले शुरू में आपने छोटे छोटे ऑर्डर्स करने हैं विजटिंग कार्ड बनाने हैं आपने लेटर पैड बनाने हैं बिल बुकें बनानी हैं इसी तरह जनाब छोटी छोटी चीज़ें आपने बनानी हैं तो वहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो जनाब इनशाला उसमें आपको तजर्बा भी मिलना शुरू हो जाएगा फ़ायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा तो उस मार्केट में बैठने का फ़ायदा ये होगा कि हर दुकानदार को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कोई आपसे बिल बुक बनवा रहा होगा कोई आपसे कोई अपनी दुकान के लिए इश्तहार बनवा रहा होगा तो कोई आपसे कोई स्टिकर बनवा रहा होगा उसने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाने होंगे इस तरह से आप मुख्तलिफ छोटी छुड़ छोटी चीजें कोई ऑर्डर जब आपको मिलेंगे तो आपने जनाब उनको बना बना के देने हैं एक विजिटिंग कार्ड ही अगर बनाए तो उस उसके ऊपर ही सिर्फ दो से ढाई सौ रुपया जो है वो आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा अगर दिन में दस तरह के विजिटिंग कार्ड भी आपके पास आते हैं तो जनाब दो सौ रुपये के हिसाब से दो हज़ार रुपया आपका आराम से उन्हीं विजिटिंग कार्ड से बन सकता है इसी तरह मुख्तफ़ चीज़ें और आएंगी तो उनसे भी इसी तरह आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा तो जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका तजर्बा भी बढ़ रहा है उसी तरह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा आपका काम बढ़ता जाएगा फिर आपने अपने साथ एक डिज़ाइनर भी रखना है जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपको जो भी चीज़ बनानी है उसके डिज़ाइन बना के देगा अब आपके पास जनाब डिज़ाइनर भी आ गया मशीन ऑपरेटर भी आ गया तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आना शुरू हो गया अब आपके पास ऑर्डर भी आ रहे हैं आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना काम जो बढ़ाना है फिर आपने क्या करना है इधर उधर जो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे ऑर्डर आपने पकड़ने शुरू कर देने हैं उनके जनाब बेशुमार तरह के ऑर्डर होते हैं वहाँ से जब आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा जो है और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा उनके क्योंकि ऑर्डर भी लंबे होते हैं उनकी पेमेंट भी मंथली होती है और जनाब अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी मिलता रहता है इस तरह से आपने कंपनियों के साथ जो है वो अटैच होने की ज़्यादा कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा आपके साथ कंपनियां अटैच हो जाएंगी उतना ही कारोबार जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा उसमें आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा फिर एक वक्त आएगा कि आपके पास काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक मशीन आपकी मैनेज नहीं कर पा रही होगी फिर आपने एक मशीन और ऐड कर लेनी है ज़ाहिर है उसके लिए भी ऑपरेटर चाहिए होगा वो ऑपरेटर भी आपने रख लेना है स्पेस भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी वो जगह भी आपने बड़ी कर लेनी है तो इस तरह से जैसे जैसे कंपनियों के ऑर्डर आपने ज़्यादा पकड़ने हैं आपके पास जनाब ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिल रहा होगा तो आपने अपनी मशीनें भी बढ़ाते जानी है तो इनशाला देखिएगा कि चार छः महीने के बाद आपके पास जनाब मशीनें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा और ऑर्डर भी आपके पास धड़ाधड़ आ रहे होंगे तो प्रिंटिंग के काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर आप इसको इस तरीके से छोटे से लेवल से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाते हैं तो इन श्ला एक साल के अंदर अंदर आप एक मशीन की जगह आपके पास दस मशीनें होंगी तो इस काम को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे जितनी आप इसके अंदर इम्प्रोवमेंट करते जाएंगे जितनी मशीनरी अच्छी लेते जाएंगे उसी हिसाब से आपके काम की क्वालिटी बढ़ती रहेगी उसी तरह से आपके पास क्लाइंट जो हैं वो अच्छे से अच्छे आते रहेंगे जितने अच्छे क्लाइंट आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि आप जनाब एक महीने के अंदर पाँच लाख छः लाख सात लाख दस लाख रुपया भी प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो इस काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसको जनाब इस तरीके से शुरू कीजिए छोटी सी मशीन से शुरू कीजिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए तो इनशाला आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें तो इनशाला इसी तरह के नए नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई नई बिज़नेस टिप्स लेके हम आपके सामने आते रहेंगे अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़